फ्रेंड्स, ये देखो मम्मी ने बना दिए दही भल्ले। हाँ, इधर डाल दिए मिर्ची, हरा धनिया, पुदीने की चटनी। और सुबह मैंने बना दिए थे दही भल्ले, कुछ ये रखे, बाद में भिगोएंगे। अभी ये कर देते हैं, चटनी फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो बाहर ही निकाल के रख देती हूँ। और ये क्यों बन रहा है दोस्तों, जरा नैनिका बताएगी आपको। क्योंकि तो फ्रेंड्स, इधर डाल देते हैं भुना हुआ जीरा, काला नमक, थोड़ा सा मैंने इसमें वो भी डाल दिया मिर्ची, और ऊपर से डाल देते थोड़ा रेड चटनी। और दही बल्ले तैयार। और नैनिका ने बताया नहीं अभी तक कौन आने वाले हैं, तो मैं बता देती हूँ। किसकी आएगी? पड़बुआ। पड़बुआ किसे बोलते हैं? इसके पापा की बुआ और फूफा जी। तो उन्हीं के लिए थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, तो अभी बना दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, दही बल्ले, वाह कितने प्यारे लग रहे हैं। हो रहा है ना मन खाने का, आ जाइए फिर आप लोग भी। एंड अभी बनाऊंगी दूसरी चीजें, तो पहले ये कर देती हूँ। मंदिर वापस से मैंने इधर सेट कर दिया है, एंड अच्छा लग रहा है इधर, बाकी कहीं मेरा हुआ ही नहीं। और ये सारा सेट कर देते हैं, नैनी का दिखाएगी आप लोगों को। सो दोस्तों, नैनी का दिखाएगी आप लोगों को, पूरा घर सेट हो गया है लाइट ऑन करके। एंड कुछ कुछ चीजें बची है, वो तो चलता है बॉस। सो सारा क्लीन हो गया है, सब नहा चुके हैं, नैनी का को छोड़ के जो कैमरा मैन है मेरा। और अभी मैं बनाती हूँ खाना, सैलेड वैलेड कट करूंगी, तो फटाफट ये रख देती हूँ। ठंडे हैं काफी, तो बाहर ही रख देती हूँ, आने वाले ही थोड़ी देर में। चलिए जी फ्रेंड्स, ये देखो पूरा घर सेट हो गया है, डाइनिंग भी, और कितना अच्छा लग रहा है, साफ बिल्कुल। कालीन भी बिछा दिया है यहाँ पे हमने, ये पूरा साफ साफ साफ। बालकनी भी बहुत प्यारी लग रही है, साफ है बिल्कुल, और बहुत प्यारी लग रही है मेरे को तो। और हम लोगों ने पूरा वो वाला रूम भी पूरा सेट है, मेरा वाला भी पूरा सेट है। और मम्मी यहाँ पे बनाई थी दही भल्ले, जो कि मैंने दिखा दिया। बची हुई रख रही हूँ अभी फ्रिज में, ठंडे रहेंगे, नीड रहेगी तो फटाफट लीगे हुए हैं, दही में भिगो देंगे। ये रहा दही का पैकेट, रात से एक मजाक ही हो गया, रात को दही जमाई थी 1 लीटर दूध की, फुल क्रीम की, और अच्छा खासा सही था, अंदर रखा था माइक्रोवेव में और जमाई नहीं। अभी अभी जमना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा फिर से हल्का सा गर्म करके रखा था मैंने, सो वो इवनिंग में काम आ जाएगा दोस्तों। चलिए फटाफट अभी कर लेते हैं खाने की और तैयारी। ये हमारी बालकनी है, सारे पेड़ पौधे अच्छे से अलाइंड हैं और पूरा साफ है। मतलब कि यहाँ पे पूरा स्पेस है, अगर आपको बैठना है तो आप बैठ के कुछ खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इसलिए पूरा सेट कर दिया है। सिंबा आने वाले हैं, बस सिंबा आने वाले हैं। आ गया आ गया, ये तो सरप्राइज मिल गया भाई हमें। तो फ्रेंड्स, बुआ जी एंड फूफा जी इधर आ गए थे, और सिम्बा तो इतना एक्साइटेड हो जाता है ना छोटे बेबी को देख के, और बुआ जी उसको बचाए जा रही थी, क्योंकि एक्चुअली है तो उनके पास भी लेब्राडोर, और छोटू भी नहीं डरता है, छोटू जो उनका पोता है, बट फिर भी नया है तो डर लगता है कहीं नेल्स वेल्स नहीं लग जाए। और मैं और कुलदीप इधर, मैंने पैर छुए बुआ जी के, एंड कुलदीप और मैं वही देख रहे थे कि उसको कुछ मतलब नेल्स वगैरह नहीं लग जाए। वैसे तो ये खाते नहीं है, फैमिली डॉग है ना, बाइट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिम्बा एक्साइटेड हो गया था। और बच्चे भी, यश भी इधर, तो ये देखिए फूफा जी के पास, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम मिला है, फिर भी देख लो इसको कितनी प्यारी प्यारी कर रहा है, देखो आप। तो मैंने इधर फिर फूफा जी के पैर छुए, और खाने वाने की तो तैयारी मैंने करके रखी हुई थी, और छोटू भी बहुत खुश हो गया था। ये देखिए, ये भी उन्हीं के पास जाते हैं, इनको फील हो जाता है कि आपसे प्यार करते हैं जो। तो देखिए फूफा जी के पीछे पीछे रहा, एंड अच्छा
तो इधर जो है लंच की तैयारी हो गई थी, तो मैंने इधर तो जो दही बल्ले बनाए थे वो रखे हुए थे इधर, एंड इधर मैंने जो है दाल तड़का बनाई हुई थी और राइस थे साथ में, और इधर जो है दही बल्ले जो मैंने सुबह बनाए थे, थोड़े पापड़, थोड़ा सा ये जो आती है ना कचरी वचरी बोलते हैं इसको, वो है, ये मीठी चटनी है। इधर थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा दही रखी हुई थी, सारा मैंने इधर ही रख दिया था कि कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालना है तो डाइनिंग पे अपने तरीके से वो लोग डाल लेंगे, थोड़ा मीठा चाहिए या खट्टा या फिर जैसे होता ना, और बाकी का बनाया हुआ सब सारे थे जीरा वीरा भुना हुआ। एंड क्योंकि शाम को मैं फिर थोड़ा हैवी खाना बनाने वाली थी, आज पूरा दिन क्लीनिंग मोर्स में निकल गया, तो फिर मैंने नॉर्मली खाना रखा। तो ये देखिए बातें बातें की खाया और बड़ा मज़ा आया। तो फ्रेंड्स इधर बन गया है एकदम मस्त वाला हलवा, और इसमें मैंने थोड़ा बेसन, थोड़ा सूजी, थोड़ा किशमिश, एक दो बादाम थे और थोड़ा कोकोनट पाउडर, शुगर, इलायची अभी एंड में, एंड थोड़ा पानी और थोड़ा सा दूध डाला था। तो बड़ा मस्त एकदम जो हम लोग बाहर खाते हैं ना कैटरिंग वाले या उनको बुलाते वैसा बना। ये देखिए दोस्तों एकदम मस्त वाला हलवा बन के रेडी हो गया। और इधर बन चुका है हमारा पनीर, ये बना दिया शाही पनीर, अभी तड़का एक बार ऊपर से और लगा देंगे तो मस्त वाला। ये देखिए तो इधर पनीर भी हमारा हो गया रेडी, और फिर उसके बाद लगाएंगे आटा और फिर बनाएंगे खाना। सो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हो गई है शाम, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है और मैं बना रही हूँ डिनर। लंच हमारा हो गया था, उसके बाद बात की, आराम किया, और अभी फिर हम डिनर की तैयारी। सो अभी फटाफट कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।